सो गाइज़, आज हम बनाना सीखेंगे वेलवेट के बचे हुए टुकड़ों से हुडी जैकेट, बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ये मीडियम टू लार्ज साइज़ रहेगा। सो लास्ट ईयर मैंने वेलवेट फैब्रिक की एक ड्रेस बनाई थी जिसमें से कुछ इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे, तो इन्हीं को यूज़ करके हम एक ब्यूटीफुल सी हुडी जैकेट बनाएंगे विंटर्स के लिए। एंड ये वाला पीस जो है ये थोड़ा सा बड़ा था जिसमें से हम अपनी जैकेट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। इस कपड़े की इतनी लंबाई तो नहीं है बट चौड़ाई में ये थोड़ा सा ज़्यादा है जैकेट के हिसाब से, तो इसलिए मैं इसमें से 6 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाल रही हूँ जिससे हम रिब बनाएंगे, यानी जो हमें हुडी के घेरे में आगे बढ़ाकर पट्टी लगानी है और स्लीव में, वो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ से 6 इंच पर की चौड़ाई कट कर रही हूँ, डबल करके ये 3 इंच हो जाएगा, तो 2.5 इंच की रिब हमारी तैयार होगी। इस तरह से मैंने ये पट्टी कट कर ली है जिसको हम यहाँ से डबल करके नीचे घेरे में लगाएंगे और स्लीव में लगाएंगे। आप इसको जॉइंट लगाकर भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक चौड़ाई में ज़्यादा था इसलिए मैंने यहाँ से रिब की जो पट्टी है वो निकाल ली है। तो ये हमारी चौड़ाई के हिसाब से अब फैब्रिक ठीक है। इसके बाद हमने लेंथ लेनी है, तो आपको जैकेट की जितनी भी लेंथ लेनी है उसके हिसाब से आप रिब देख लीजिए, रिब कितनी लगानी है आपको, 2 इंच की या 2.5 इंच की, उसी के हिसाब से आपको लेंथ लेनी होगी। जैसे मैं यहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ निकाल दूँगी और उसके बाद 1 इंच प्लस करके लेंथ लूँगी, तो यहाँ पर मैं 26 इंच की लेंथ ले रही हूँ। इस तरह से 25 इंच पर ये तैयार होगा और 2.5 इंच की रिब आ जाएगी। अब 26 को हमने यहाँ से डबल कर लेना है और आगे से जो फैब्रिक बचेगा इसमें से हमारी एक स्लीव निकलेगी 20 इंच की लेंथ पर। तो पहले ये वाला जो फैब्रिक है ये कट करके हमने निकाल लेना है और इसमें से हमारी एक स्लीव बनेगी और थोड़ा सा फैब्रिक इसी के बराबर एक और पीस है मेरे पास जिसमें से हम दूसरी स्लीव निकालेंगे, तो दोनों स्लीव हमारी आसानी से 20 इंच की लेंथ पर कट हो जाएंगी। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारे जैकेट की चौड़ाई के हिसाब से है, इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए लेंथ दिखा देती हूँ, 1/2 इंच का मार्क हमने करके 2.5 इंच निकाला और ये हमारा 1/2 इंच सिलाई में नीचे से रिब के साथ चला जाएगा। उसके बाद 26.5 इंच पर हमारी जो हुडी है वो तैयार होगी। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 12 इंच ली है। ये 36 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, हालांकि ये 38 चेस्ट के लिए भी बहुत ही इजीली आ जाएगा क्योंकि हम इसको 40 पर तैयार करेंगे। नेक की विड्थ मैं यहाँ से 3.5 इंच ले रही हूँ, तो 3.5 इंच से कम नहीं लेना। इसके बाद बैक नेक की लेंथ हम 1.25 इंच लेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ 3.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से भी आगे की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हम अपने बैक नेक की शेप देंगे 1.25 इंच की गहराई पर, उसके बाद 3.5 इंच पर फ्रंट नेक की गहराई देंगे। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का 1/2 प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ, नॉर्मली मैं 7 इंच पर मार्क करती हूँ। उसके बाद 1/4 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और नेक से मिला देंगे। अब आर्म होल की जो लेंथ है वो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं 7 इंच पर आर्म होल बनाती हूँ, तो यहाँ मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। तो 7.5 इंच हमारे आर्म होल की लेंथ है। अब मैं बस्ट साइज़ जो है वो 10 इंच पर मार्क करूँगी, तो अपनी चेस्ट की जो आप फिटिंग लगाते हैं उससे 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ही लेना होगा क्योंकि ये लूज़ रहता है। अब फ्री हैंड से हमने आर्म होल की शेप दे दी है एंड जितना हमने चेस्ट पर मार्किंग की है उतना ही नीचे हमने बॉटम ले लिया है, तो 10 इंच पर मार्क करके इसको सीधा मिला देंगे। इसके बाद चेस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो हम 7 इंच रखेंगे और यहाँ से बस हल्का सा हम 1/2 इंच पर अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अगर आप ये अंदर की तरफ गहराई नहीं देते तब भी कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल इसको सीधा भी रख सकते हैं। अब 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है, नीचे से इसकी फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से भी हम इसको कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 22 इंच है मार्जिन के साथ। अब इसमें से हम एक पीस निकाल लेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको दोबारा से फोल्ड करेंगे एंड इसमें हमने नेक की गहराई और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट हैं, अब इनको साइड में रखेंगे। एंड स्लीव के लिए फैब्रिक मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से हमने फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव की लेंथ 20 इंच है एंड स्लीव मोरी में 5.5 इंच ले रही हूँ,
तो यहाँ पर स्लीव की मोरी ज़्यादा लूज़ नहीं रखनी है। इसके बाद इस तरह से इनर शेप देंगे और 10 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है। तो स्लीव की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 19 इंच पर तैयार होगी और 2.5 इंच की रिब आ जाएगी। तो लेंथ के हिसाब से जो स्लीव है मैंने कट कर ली है। अब इस वाले फैब्रिक से हम अपना हुडी कैप कट करेंगे। तो देखिए, इसकी कुछ शेप इस तरह से है। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से जो है हम 11.5 इंच लेंगे। तो 11.5 इंच पर मार्क करके मैंने इसको डबल कर लिया। तो देखिए, सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए हुडी कैप का जो मेजरमेंट है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हमने 11.5 इंच लिया है, आधा इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच यहाँ से फोल्ड में चला जाएगा। इसके बाद लेंथ लेनी है, तो यहाँ से 15 इंच लेंथ लेंगे और इस मार्क को नीचे की तरफ गोलाई देते हुए मिलाएंगे ऐसे करके। अब इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है और ये बंद वाली जो साइड है इसको भी कट कर लेना है। तो ये 1 इंच फैब्रिक जो है यहाँ से फोल्ड होगा और ऊपर से 1/2 इंच की गोलाई लेकर हमने सिलाई करनी है। अब हमने पॉकेट कट करनी है, तो पॉकेट के लिए जो फैब्रिक है इसको हम डबल करेंगे एंड नीचे से हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो हम 8.5 इंच लेंगे। तो आप इसकी लेंथ 11 तक ले सकते हैं और यहाँ से चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। अब जहाँ हमने 7 इंच मार्क किया था, इस मार्क से ऊपर की तरफ 4.5 इंच मार्क करेंगे और इसको ऊपर तक सीधा कर देंगे। अब इस मार्क के सामने से हमने चौड़ाई लेनी है, तो चौड़ाई हम 8 इंच लेंगे, 8 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हम नीचे इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे और यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देते हुए इन दोनों मार्क को मिला देना है। सो ये हमारी पॉकेट है इस तरह से। इसकी जो लंबाई है वो आप थोड़ा बढ़ा लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने 8.5 इंच लिया है। सो इस तरह से हमारे ये पॉकेट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर के नॉचेस लगा लेंगे। सो गाइज, मैं आपको सारे मेजरमेंट बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से ही बनाएं, आप फैब्रिक लेकर भी इसको बना सकते हैं। 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक में ये बहुत बड़े साइज़ में आराम से बन जाएगी। अब जो पॉकेट है वो हमारी फ्रंट वाली साइड में लगेगी, तो इसका सेंटर का मार्क कर लेंगे और इसकी जो लेंथ है पॉकेट की वो 8.5 इंच थी, तो यहाँ 8.5 इंच मार्क करके ऊपर से भी हमने सेंटर चेक कर लेना है इस तरह से। और जो पॉकेट है वो हमने सेंटर के जो नॉचेस लगाए थे वो सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से आएगी। फ़िलहाल हम आगे देखेंगे इसको हमें लगाना कैसे है। यहाँ साइडों से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पहले और उसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट से इसको अटैच करना है। सो गाइज, कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। ये हमारी 6 इंच चौड़ी रिब वाली पट्टी है। जैकेट का ये फ्रंट बैक पार्ट है, साथ में 2 स्लीव हैं एंड ऊपर की तरफ ये हमारी कैप है और नीचे ये पॉकेट है। अब चलिए देख लेते हैं इनको सिलना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपनी पॉकेट लेंगे और पॉकेट के 3 साइड में हमने कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करना है और 1 पैर की सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ जो सीधा है वहाँ पर हमने कोई सिलाई नहीं लगानी है। वेलवेट को स्टिच करने के लिए हम 11 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो सिलाई है वो परफेक्टली आती है। सो तीनों साइड से हमने स्टिच कर लिया है। अब जैकेट का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, जिसको पॉकेट को हम नीचे बॉटम में बिल्कुल सीधा मिलाकर रखेंगे ऐसे करके। जो सीधी साइड है वो नीचे घेरे की तरफ आएगी, ये देखिए, और यहाँ से हम 1 पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे इस तरह से। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से सिलाई को ऊपर लेकर जाएंगे और एंड में इसको पक्का करके निकाल लेंगे। अब ऊपर की तरफ जो सीधी साइड है यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, बीच का पार्ट हमने छोड़ दिया है जहाँ से हमारी पॉकेट ओपनिंग रहेगी, और इस साइड से भी सिलाई को लॉक करके अच्छे से निकाल देना है। सो इस तरह से हमारी ये पॉकेट लग चुकी है, ये देखिए। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए सिंपली हम 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों शोल्डर जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हमने इसकी स्लीव अटैच करनी है, ये देखिए। तो अब हमने स्लीव लेनी है, दोनों के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे
और सिलाई को करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव लगाने के लिए हम आधा इंच का दबाव ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों की फ़िटिंग अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, यानी पहले स्लीव की फ़िटिंग कर लीजिए, फिर जैकेट की फ़िटिंग कर लीजिए और उसके बाद स्लीव लगा लीजिए। तो मैं ओपन करके ही स्लीव लगा रही हूँ, तो दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से लगा लिया है, ये देखिए। इसके बाद हम अपना कैप लगाएंगे, तो कैप लगाने के लिए इस तरह से सेंटर में पकड़ेंगे नेक को, शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए, और यहाँ पर बैक नेक का जो सेंटर है यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे, एंड बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट नेक के सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने अपना कैप लेना है, तो यहाँ पर हमने कैप की कटिंग कुछ इस तरह से की थी। तो पीछे जो गोलाई वाला पार्ट है यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसकी जो सीधी साइड है यहाँ से हम एक इंच कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से कपड़े को हम एक इंच फोल्ड कर रहे हैं, आप इसको डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं अंदर की तरफ फोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है तो इसके एजेस वगैरह नहीं निकलते, तो मैं सिंपली इसको एक इंच फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ किनारे पर। सो इस तरह से हमने ये कैप तैयार कर लिया। अब जो जॉइंट वाला पार्ट है ये पीछे सेंटर का, ये बैक नेक के सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे ताकि ये एक इसके सामने रहे, इधर उधर ना भागे, और यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा फ्रंट नेक का जो सेंटर था बिल्कुल इसके सामने आएगा, ये देखिए इस तरह से। अगर आपका छोटा बड़ा होता है तो आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं, एंड अगर आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये देखिए जो नेक साइज़ है वो सबका सेम ही रहेगा, जितना भी अडल्ट हैं लेडीज़ और गर्ल्स, तो आप जो नेक और कैप का साइज़ है वो यही रखिए, बाकी जैकेट की लेंथ और विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये अडल्ट साइज़ है, तो सेंटर आ गया है। अब ये सिलाई वाला जो पार्ट है यहाँ पर सिलाई के जो दोनों हिस्से हैं हम खोल कर सिलाई करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से कंधी में भी हमने अंदर का जो कपड़ा है सिलाई वाला उसको दोनों तरफ फैला कर रखना है, और यहाँ सिलाई लाकर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए जो कैप है वो हमारा लग चुका है इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपनी जो जैकेट है उसकी फ़िटिंग कर लेनी है, तो यहाँ से मोरी की फ़िटिंग आपको जितनी भी रखनी है उसके हिसाब से मार्जिन लेते हुए आप सिलाई कर लीजिए। तो मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया था, सो मैं एक इंच तक नीचे तक इसकी फ़िटिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। दोनों साइड में हमने इसकी फ़िटिंग लगाकर तैयार कर लेना है। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, तो वो चीज़ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, तो आपका भी ज़रूर करूँगी। तो लीजिए हमने जैकेट में इस तरह से फ़िटिंग लगा ली है दोनों साइड से, और ये मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाया है। आप इसको फैब्रिक लेकर भी बना सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए 1 से 1.25 मीटर फैब्रिक लगेगा। और अब हमने रिब बनानी है, तो देखिए रिब जो है वो इसकी गोलाई के हिसाब से मैंने कट कर ली है, यहाँ से बराबर मिलाते हुए इस साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसको कट किया है। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से स्लीव के हिसाब से भी मैंने रिब को कट कर लिया है गोलाई। ये देखिए स्लीव की फ़िटिंग लगी हुई है, तो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों रिब ये स्लीव की है मेरी, तो यहाँ से मैंने आधा इंच की सिलाई लगा ली, एंड इसी तरह से हम अपनी जो नीचे घेरे में रिब आएगी उसकी भी सिलाई लगा लेते हैं। सो मुझे 2.5 इंच चौड़ी एक्स्ट्रा निकालनी थी, इसलिए मैंने इसको 6 इंच की चौड़ाई पर कट किया था। अब यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और डबल कर लेंगे। इसकी रॉन्ग साइड अंदर की तरफ चली गई है और राइट साइड बाहर की तरफ आ जाएगी ऐसे करके। इसके बाद अब हमने इसको नीचे घेरे में इस तरह से लगाना है, ये देखिए जो जॉइंट है वो एक दूसरे के सामने रहेगा, और जो सिलाई वाला पार्ट है वो हम ओपन करके रखेंगे। अगर हम एक तरफ करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और सिलाई करने के लिए हम एक पैर का दबाव ले रहे हैं, आप आधा इंच भी ले सकते हैं। तो पूरी गोलाई में हमने इस रिब को जैकेट के साथ अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए रिब को हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, तो अंदर का जो दबाव है वो हम ऊपर जैकेट की तरफ करेंगे, और यहाँ से हमने पूरी गोलाई में एक पैर की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अच्छे से सेट भी हो जाएगा और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगेगा।
सो हमने ये लगा ली है। अब बिल्कुल ऐसे ही करके स्लीव में भी लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई को इस तरह से ओपन करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे डबल करके। उसके बाद इसके अंदर को हमने स्लीव लेनी है, तब पूरी गोलाई में इसको सेट करना है। सो आप चाहें तो इसको इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए ताकि जो दोनों सिरे हैं अलग अलग ना भागे और एक साथ रहें। अब रिब की जो सिलाई है वो हम अपने स्लीव की फिटिंग के सामने रखेंगे और उसके बाद बस इसको हमने एक पैर का दबाव लेते हुए सिल देना है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हम पलट के एक पैर की सिलाई लगाएंगे, अंदर का दबाव स्लीव की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो दोनों स्लीव में हमने ये रिब इसी तरह से लगा लेनी है और इसी के साथ जो हमारी हुडी जैकेट है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये इसकी स्लीव इस तरह से तैयार हुई हैं। इसमें हम लास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हैं बट इसमें मैंने लास्टिक इंसर्ट नहीं की है। सिंपली मैं इसको रेडीमेड स्टाइल में जैसे लेडीज़ होती हैं उस तरह से बना रही हूँ। हालांकि आप इस रिब में लास्टिक भी ले डाल सकते हैं तो रिब की चौड़ाई उतनी रहेगी जितनी लास्टिक की चौड़ाई रहेगी। और जो कैप है इसमें आप डोरी भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो नीचे से जो है तकरीबन 1.5 इंच ऊपर दोनों साइड में एक छोटा छोटा सा हमने एक कट लगाना है होल की तरह और उसके बाद इसमें मोटी सी एक डोरी इंसर्ट कर देनी है। सो इस तरह से ये हमारी जैकेट तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।